वेलकम टू एसएससी माइंडट्री। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट सिटी के नाम देखेंगे जो कि किस रिवर पे बसे हुए हैं, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन तो पेपर में रहते ही रहते हैं, तो चलिए आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, वीडियो को या तो 2-3 बार देखिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप बार बार 2-3 बार इसे रिवाइज करें तो आपको पूरा याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किनारे है, ठीक है। आगे है अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है गुजरात, गुजरात में है, जो साबरमती नदी पे है, ठीक है। तीसरा है अलाहाबाद, अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो कि यहाँ पे तीनों नदी का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे संगम होता है गंगा यमुना और सरस्वती का, ठीक है। आगे है अयोध्या, अयोध्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, जो कि सरयू नदी पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जो कि अलकनंदा नदी पे है, ठीक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पे, ठीक है। भागलपुर बिहार में है, जो कि गंगा नदी पे है, ठीक है। बेंगलोर है कर्नाटक में, जो वृषभवती नदी पे है, ठीक है। आगे है हमारा कटक, कटक उड़ीसा में है, ठीक है, महानदी पे बसा हुआ है कटक, ठीक है। चेन्नई है, चेन्नई तमिलनाडु में, जो कि एदयार और कोम नदी पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा कैम्बटूर तमिलनाडु में है, कैम्बटूर यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में है, जो कि नोयाल नदी पे है, ठीक है। आगे दिल्ली, दिल्ली एक स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरीज है, और वो यमुना नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं डिब्रूगढ़, आपको पता है डिब्रूगढ़ असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। गुवाहाटी भी असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, ठीक है। गया बिहार में है, फल्गु नदी पे है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्वालियर, ग्वालियर है आपका मध्य प्रदेश में, जो कि चंबल नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी है यहाँ पे, आपको पता है हरिद्वार में हमारा कुंभ मेला भी लगता हुआ है, लगता है गंगा नदी पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए हैदराबाद जो है तेलंगाना में मूसी नदी पे, ये इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद मूसी नदी पे है, ठीक है। एक है जबलपुर मध्य प्रदेश में, जो कि नर्मदा नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। और कानपुर उत्तर प्रदेश, ये भी गंगा नदी, ठीक है। आगे है कर्नाटक, वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। कर्नूल, कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, जो कि तुंगभद्रा रिवर जो है उस पर बसा हुआ है, ठीक है। कोटा राजस्थान, जो कि चंबल नदी पे है, ठीक है। आगे है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये गोमती नदी पे है, ठीक है। लुधियाना पंजाब जो है सतलज नदी पे, वहाँ से बहती है, ठीक है। आगे है आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी यहाँ भी है, और आगरा में भी यमुना नदी, ये भी पूछता है जो ताजमहल है उसके बगल में कौन सी नदी है, तो वहाँ पे यमुना नदी ही है, ठीक है। आगे है मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में है, वैगाई नदी पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पे है, ठीक है। आगे है आपका पंधरपुर जो कि महाराष्ट्र में है, भीमा नदी पे है, ठीक है। पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, वो है मुला और मूठा नदी पे, ठीक है। आगे है पटना बिहार गंगा नदी पे है, ठीक है। आगे है आपका राउरकेला जो कि है उड़ीसा में, ठीक है। राउरकेला जिसे हम बोलते हैं उड़ीसा में है, वो है ब्राह्मणी नदी पे, ठीक है। आगे है संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, महानदी पे। आगे है श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, जो झेलम नदी पे है, ठीक है, झेलम नदी वहीं पे है। आगे है सूरत, सूरत गुजरात में है, तापी नदी पे है, ताप्ती नदी जो है, ठीक है, सूरत गुजरात में ताप्ती नदी पे। आगे है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है, ठीक है। उज्जैन है मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी पे, ठीक है। बनारसी में है, उत्तर प्रदेश में बनारसी है, गंगा नदी पे। और बड़ोदरा है गुजरात में, जो कि माही नदी, नर्मदा नदी और विश्वामित्र नदी, ठीक है। आगे है अयोध्या, अयोध्या आपको पता है, सॉरी विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ रिवर हैं जो कि कहाँ गिरते हैं, वो दिया हुआ, जैसे गंगा नदी है
वेस्ट ऑफ बंगाल में सतलज नदी है, चिनाब नदी में मिल जाता है, इंडस नदी जो है अरबियन सी में हो गिरता है, और ये विंस विंस नदी है जो सतलज में मिल जाता है। ऐसे कुछ रिवर इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। जो कोसी, ऐसे आप देख लो, कोसी नदी जो है यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र जो है वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए आप सबका लेंथ भी दिया हुआ है, जैसे सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी है, गंगा, गंगा है इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबी, 25-25 किलोमीटर इसका, 2525 किलोमीटर। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लेना, सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। या तो वीडियो का आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना, सब याद हो जाएंगे आपको। जैसे जो आप यहाँ पे देख रहे हो साबरमती नदी है, वो गल्फ ऑफ कम्बात में गिरती है यहाँ पे, वैसे है कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है जो कि वे ऑफ बंगाल में गिरती गिरती है, कावेरी नदी है वो भी वे ऑफ बंगाल में गिरती है, तुंगभद्रा है वो भी आपको कर्नाटक में गिरती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के एक वीडियो जो कि रिवर और सिटी पे थे, कौन से रिवर पे कौन से सिटी बसे हुए हैं। तो आप इसके या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप इस वीडियो को 2 बार प्ले करके देख लेंगे, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।